वेलकम टू फिक्सिंग टाइनी टेडियस थिंग्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्प्रेडशीट से आप डुप्लीकेट एंट्रीज जो हैं वो कैसे रिमूव कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो ये रही स्प्रेडशीट, ये रहे एंट्रीज इस ए कॉलम में जो कि काफी डुप्लीकेट्स हैं, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया T20 आप देख सकते हो, एक बार यहाँ पे भी है इंडिया साउथ अफ्रीका T20 यहाँ पे भी है, ये नीचे भी है, ये देखिए। और स्प्रेडशीट में इसमें काफी बार ये मैंशनड है, तो इनको मैंने रिमूव करना है एक बार में। अगर क्लिक क्लिक करूंगा तो काफी टाइम लगेगा, तो वो मैं टिप बताता हूँ आपको कैसे आप इसको आराम से रिमूव कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको ये जो कॉलम है जहाँ पे ये एंट्रीज मेंशन है वो उसको सिलेक्ट करना होगा। जैसे मैंने ये कॉलम ए पूरा सिलेक्ट कर लिया है, उसके बाद आपको डेटा टैग है यहाँ पे, वहां पे क्लिक करना है और बाद में रिमूव डुप्लीकेट्स यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी, इसको आप क्लिक कीजिए और यहाँ से पूछेगा आपको व्हाट डू यू वांट टू डू एक्सपेंड द सिलेक्शन। तो इसको आप ऐसे सिलेक्टेड रहने दीजिए, रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक करिएगा, ठीक है। और यहाँ से अपना जो कॉलम है वो सिलेक्ट करना है आपको। ध्यान रखिएगा कॉलम बी आपने सिलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि आपको कॉलम ए से सिर्फ जो डुप्लीकेट एंट्रीज है रिमूव करनी है। उससे क्या होगा कि जो रो है, जिस रो पे वो एंट्री है उसको पूरी रो को डिलीट कर देगा ये। तो ओके कर देते हैं। ये देखिए 11 बार डुप्लीकेट वैल्यूज थी जो कि रिमूव हो गई है, और अब आप चेक कर सकते हैं। मैं अभी आपको चेक करके बता दूँ, ये देखिए इंडिया ऑस्ट्रेलिया T20, इंडिया ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका T20, ये दोबारा आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये है सिंपल ऑप्शन, आप इसको ध्यान से फॉलो करोगे तो आपको भी आसानी से आप इसकी डुप्लीकेट एंट्रीज रिमूव कर पाओ। दोबारा बताता हूँ क्या करना है आपको। सबसे पहले ये ऐसे कॉल को सिलेक्ट कर लिया, इसके बाद डेटा टैब पे गए, तो यहाँ से रिमूव डुप्लीकेट्स, ठीक है। अपना कॉलम सेलेक्ट कर लेना आपने जिस कॉलम में भी ये एंट्री है, ओके कर देना आपको और वैल्यूज मूव हो जाए, ठीक है। और इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा, अगर सीखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले वीडियो में और भी ऐसे टिप्स शेयर करता रहूँगा आपके साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।